हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी, ठीक है ना। तो यहां पर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एसी ए और सी दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम यहां ड्रॉ कर देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जैसा भी हो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे कि अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे फोर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशन हमारे पास ये नहीं दिया गया है कि पैरेललोग्राम हो या फिर स्क्वायर हो या फिर रेट्रायंगल हो या फिर रॉम्बस हो या फिर ट्रापीजियम हो, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी। अब देखिए, यहाँ पर एसी को हमें मिलाना है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और सी दोनों को। तो ये हमारा हम मीट कर दिए, ठीक है, और मीट कर दिए तो यहाँ पर एंगल जो एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, और जो एसी है वो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन, एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी, इट मीन्स ये इसके इक्वल होगा। तो हमें ये दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ जब भी अगर इक्वल का कंडीशन हमारे पास आए तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी के माध्यम से इसे हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी वी हैव, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ए सी जो है, ए सी इज कॉमन इन बोथ, ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो एंगल ए सी डी जो है वो किसके इक्वल है, वो ए सी बी के इक्वल है, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देंगे, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है ए सी डी में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए सी डी पहले लिखे, तो ए सी डी, देखिए जो आप ट्राइंगल पहले लिख रहे हैं उसी को पहले आप यूज भी कीजिए, उसी के एंगल को, उसी के साइड को आप पहले लिखिए भी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ए सी डी अगर हम पहले लिखे हैं यहां पे ट्राइंगल, तो हम ए सी तो खैर दोनों में कॉमन था, लेकिन ए सी डी तो ये एंगल, इट मीन्स इस ट्राइंगल का ये एंगल को मैंने रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सी ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है। और यहां पर कंडीशन क्या देंगे, डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल बी, ठीक है ना, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ओके। अब यहां पर देखिए तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, और ये एंगल हो गया। इसमें उसी तरीके से एंगल साइड एंड दिस वन इज एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग सीपीसीटी के माध्यम से हम ये दोनों चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी डी, अगर ए सी डी हम लिखे हैं तो सबसे पहले हम ए डी लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए बी, एंड सेकेंड वन इज सी डी इज इक्वल टू सी बी। और ये दोनों कैसे, तो सीपी सीटी से कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के माध्यम से ये दोनों इक्वल हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग फिगर ड्रॉ पहले करते हैं, देन आफ्टर समझने का प्रयास करेंगे।
तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ करा, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट एंगल है किस पॉइंट पर है, ए पर है, ठीक है। ए बी और ये सी मान लेते हैं, या फिर बी सी इस तरीके से हम मानते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, तो ये तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि ए बी जो है वो सी ए सी के इक्वल है, और यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि बाइसेक्टर ऑफ सी, इट मीन्स ये जो है सी इसका बाइसेक्टर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, ए बी साइड ए बी का पॉइंट डी पर एंगल सी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है, ठीक है। अब मीट कर रहा है इट मीन्स यहाँ पर ये अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये हमें प्रूफ से रिलेटेड, देखिए जितना भी क्वेश्चन प्रूफ से रिलेटेड रहता है तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन यहाँ पे क्या है, तो देखिए गिवन लिखने के समय आपको ज्यादातर क्वेश्चन पर फोकस करना और क्वेश्चन से ही ज्यादा कुछ कॉपी भी करना है, ठीक है। तो यहां से कॉपी क्या कर सकते हैं, ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए, ओके, इन विच, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, ठीक है। इंटरसेक्ट बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट सी, ठीक है। तो ये ज्यादातर मैंने क्वेश्चन को ही कॉपी करा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये भी प्रूफ भी क्वेश्चन में ही दिया रहता है। प्रूफ हमें करना है, वहां पे मेंशन कराया गया है ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए अगर किसी भी डायग्राम में किसी भी फिगर में अगर कंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है तो हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शंस क्या करना है, ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, डी, और वो किस पर होगा, बीसी पर होगा। अब यहां से हम डायरेक्टली सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इजीली हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ फिगर के माध्यम से कि किस प्रकार से इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दो ट्राइंगल दिया गया, ये दो ट्राइंगल को हम लोग बहुत ही आसानी से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जिससे ये हम लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और हमें बस यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल बस प्रूफ कर देना है, जिससे ये जो साइड होगा इसके इक्वल, और इसके जगह पे हम लोग इसको यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, पहले तो ये दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, तो ए सी डी अगर लिए हैं एंड ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं, तो ई सी डी वी है, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल का नेमिंग करने वक्त थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये तो कंस्ट्रक्ट किए थे परपेंडिकुलर, तो ये तो एंगल ही इक्वल हो गया। सबसे पहले आप लिख दीजिए सी डी दोनों में क्या है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। दूसरा जो हम लोग लिखेंगे वो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू सॉरी ए सी डी में, ठीक है, तो ए सी डी ट्राइंगल में जो एंगल है ए सी डी इज इक्वल टू ई सी डी, ठीक है, और
ये कैसे लिखेंगे, तो सीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है ना, ये सी का बाइसेक्टर है, ठीक है, ये दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो है ये 90 डिग्री का एंगल वाला जो कंडीशन हमारे पास है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एंगल एंगल एंड दिस वन इज साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ई सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आया तो हम ये लिख सकते हैं, हम यहां से ये लिख सकते हैं कि एडी जो है वो किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल होगा। एडी किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि एसी जो है एसी किसके इक्वल होगा, ईसी के इक्वल होगा। और ये दोनों हमारा किससे होगा, सीपी सीटी से होगा। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात ये है कि मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस इरेज करता हूं क्योंकि थोड़ा सा से आप यहां तक आई थिंक आपको अगर समझ आ गया होगा तो काफी इजीली फिर आगे हम लोग प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमें ये प्रूफ करना था कि एसी, ठीक है, तो एसी हमें प्रूफ करना था एसी। अब ये देखिए तो अगर ये दोनों ट्राइंगल में ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल में इट मीन्स ए सी डी ट्राइंगल में अगर ए डी और ए सी ये दोनों इन दोनों की इक्वल है तो हम लोग ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसको इक्वेशन वन और टू भी मान सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया एडी प्लस एसी इज इक्वल टू ईडी प्लस ईसी, ठीक है ना, आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए हमें तो ये प्रूफ करना था एसी प्लस एडी, तो ये तो जो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था वो तो हमें मिल गया, लेकिन ये हमें दूसरा कुछ चाहिए था, लेकिन कुछ दूसरा आ चुका है, ठीक है। तो ईडी को हम चेंज किससे करेंगे, एडी प्लस एसी और ईडी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे, पहले आप यहाँ पे समझ जाइए, ठीक है। एडी प्लस एसी इज इक्वल टू बी प्लस ईसी को हम क्या लिख देंगे, बीसी लिख देंगे। लेकिन अब यहां पर बात ये आ रहा है कि ईडी के जगह पे बी कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज भी अब समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उतना अब मैं मेंशन नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली आप समझ जाइए कि ये जो है वो एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, और आइसोसेलस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होता है, दो एंगल या फिर कहें कि दो साइड इक्वल होता है, तो दो एंगल हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे, जिससे हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो साइड भी इक्वल है, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे कि ये इसके इक्वल होगा, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू हमारे पास 90 था और एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल था, तो दोनों के जगह सी के जगह पे भी हम बी का यूज कर देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से ये तो हम पता कर लिए कि ये 45 डिग्री है, और यहां पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया था, ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो गया था तो इन ट्राइंगल बी डी ई आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी ई प्लस एंगल डी ई बी प्लस एंगल ई बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी डी ई हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ई का वैल्यू हमें 90 डिग्री पता है और वो हम लोग फाइंड किए हैं, ये एंगल का वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर ऐसा कंडीशन है हमारे पास, इट मीन्स एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सॉरी एंगल ई बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, दोनों 45 डिग्री के इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बी ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा। और यहां पर हम जो
यूज किए हैं ईडी, ये डी लिखिए या फिर ईडी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ईडी के जगह पे हम बीई का यूज किए हैं और उसके बाद सम करके बीसी के इक्वल कर दिए हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।